Assalamu alaikum. My district minorities welfare officer, Hyderabad district. ये overseas scholarships के बारे में अभी Hyderabad district aspirants को मैं इतला दे रहा हूँ. ये जो है कल तक ये last date है 27/9/2019 तक spring 2019 season का जो है ये कल लास्ट डेट हो जाने वाला है. जो लोग अभी अप्लाई नहीं करे एलिजिबल है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 20 लाख रुपए जो है सब्सिडी 100% सब्सिडी के साथ स्कॉलरशिप मिल रही है. ये ओवरसीज स्कॉलरशिप तेलंगाना आने के बाद 2014-15 में शुरू हुआ, उसके साथ साथ हमारा माइनॉरिटीज़ को एससी एसटी बीसी के साथ साथ हमारा माइनॉरिटीज़ को भी हर साल 500 बच्चों को अब्रॉड जाने में दे रहे, अमेरिका कनाडा स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया वैसा 8 कंट्रीज़ को जाने वाले जो बच्चे हैं वो लोग 20 लाख हासिल कर सकते हैं इसमें. इसीलिए जो लोग एलिजिबल है वो देर नहीं करना, कल शाम तक ये लास्ट डेट है. इसके लिए आप जो है I-20 होना चाहिए. आप कौन सा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा वो अप्लाई करने के बाद वो ऑफ़र लेटर लेके आना है, उसमें वीसा रह जाते. उसके साथ साथ GRE यानी GMAT दोनों में एक और IELTS TOEFL दोनों में एक पास होके फिर वो वैलिड ले लेके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में. वो अप्लाई करे तो अभी 20 लाख में फर्स्ट फेज में 10 लाख, सेकंड फेज में 10 लाख पैसा, दो दफ़ा वो 20 लाख तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन कर दी थी. ये तेलंगाना गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है. कई बच्चे इसके ज़रिया वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्रीज़ में पढ़ के आज तक कम से कम 1500 अपना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का बच्चे जो है इसको हासिल कर लिए हैं. ये CM ओवरसीज स्कॉलरशिप अपने पढ़े लिखे सो माइनॉरिटी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है. वैल्यूड 20 लाख का वैल्यूड स्कॉलरशिप है. सो ये हासिल करिए, जल्द से जल्द अप्लाई करिए. PT जो है ओनली ऑस्ट्रेलिया के लिए चलता है, मगर इसके साथ साथ GRE या GMAT उसको ऐड होना चाहिए, मैंडेटरी है. GO में स्कॉलरशिप के लिए वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी अपना स्कॉलरशिप की कंट्रोल करने के लिए GRE GMAT मैंडेटरी कर दिया गया. कल जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है या ऑफलाइन भी कल ही लाके सबमिट करना? नहीं नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ही लास्ट डेट है. हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अभी एडवाइज़र AK खान साहब है और अपना शाहनवाज कासिम साहब है, अभी अजय मिश्रा साहब सेक्रेटरी है. ये लोग एक स्टेट लेवल कमेटी एक बना के वो कमेटी के साथ वो सेलेक्शन कर देते. वो सेलेक्शन डेट आने से पहले एक 10-15 डेज में वो सेलेक्शन कमेटी बैठती. वो सेलेक्शन कमेटी बैठने से पहले दाखिल करे तो भी आजकल उन लोग एक्सेप्ट कर रहे, बट ये जल्द से जल्द सबमिट करे तो बेहतरीन होगा.